आज ये सब जानकर बड़ा दुख हो रहा है कि आरिफ भाई का सारा आरिफ भाई के पास नहीं रहा। तो भाई आरिफ भाई ने बहुत अच्छी मिसाल पैदा की थी, पक्षियों के प्रति दया भाव दिखाया था उन्होंने। दो तीन दिन पहले बनी वाक की टीम आई उनके घर पर, उनसे आरिफ भाई का सारस उनसे ले गई। नहीं, बनी वाक की टीम ने उनसे सारस क्यों छीन लिया? उन्होंने तो कुछ अच्छा किया भी नहीं था कि जिससे कि मतलब, यार उन्होंने तो खाली दोस्ती का भाव प्रकट किया था और बेपकड़ के ले आए थे उसे, जहाँ पे उसके पैर में चोट लगी हुई थी, गिर गया था। अगर भाई लोगों आज उनका अगर सारस नहीं मिला तो उन लोगों के मुंह पर सीधा कड़वा जवाब होगा जो पक्षियों की हेल्प करते हैं, जो अपने घर में पशु पक्षियों को पालते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों किया, क्यों हुआ उनके साथ, अपने बच्चे की तरह पाला था उन्होंने। कुछ लोग बात कह रहे हैं कि बनवा की टीम बता रही है कि उन्होंने जबरदस्ती बांध रखा था, लेकिन ऐसा तो कुछ उन्होंने किया ही नहीं था। मैं तो मिला ही नहीं हूँ, लेकिन वीडियो वगैरह देखी है तो ऐसा तो कुछ उन्होंने किया ही नहीं था जिससे कि मतलब उसको कोई कष्ट हो। उन्होंने तो अपने बच्चे की तरह पाल रखा था उसे। सारी यूट्यूब फैमिली से यही निवेदन है कि सब हाथ जोड़ के प्रे करें और उनके लिए आवाज़ उठाए कि आरिफ भाई को उनका सारस मिल जाए, और जितने भी छोटे बड़े यूट्यूबर हैं सब एक साथ होकर उनके लिए मतलब इस दुख की घड़ी में, भाई दुख तो होगा ही, उन्होंने बच्चे की तरह पाला था और एक मिसाल भी पैदा की थी। मैं यही गुजारिश करता हूँ कि सब जने एक अभियान चलाए जिससे कि सारस आरिफ भाई को मिल सके और जल्दी ही उनके पास वापसी हो सके। आरिफ भाई इस सदमे को सहन नहीं कर पा रहे हैं, वे बहुत बुरी तरीके से टूट चुके हैं और उन्होंने लाइव आकर भी काफ़ी उदास हो रहे थे, रो रहे थे। बच्चे की तरह पाल रखा था उन्होंने, फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा क्यों हुआ। अखिलेश यादव जी मिलना आए थे उनसे, शायद राजनीति मुद्दा बनाया जा रहा है। भाई मैं तो बस यही प्रे करूँगा कि आरिफ भाई को उनका सारा जल्दी मिल जाए। मेरी माननीय योगी जी से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आरिफ भाई को उनका सारस वापस कर दिया जाए, ताकि पक्षियों और इंसान के बीच में मानवता बनी रहे और मान इंसान का पक्षियों के प्रति दया भाव हमेशा बने रहे, वरना कोई भी किसी पक्षी की हेल्प नहीं करेगा। जो भी मेरा भाई इस वीडियो को देख रहा हो, अगर चाहता हो कि आरिफ भाई का सारस उन्हें वापस मिले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं आपको उनकी लाटेस्ट अपडेट देता रहूं और जल्द ही आरिफ भाई को उनका सारस वापस मिल जाएगा। ऐसे ही मैं ऊपर वाले से प्रे करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।